गाड़ी पूरा पिकअप में आ रहा था, लगता था कि नशा था वो, अगर किसी आदमी रहता तो वहाँ उड़ा देता। नाडीगो में तेज गति से आ रही अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने ट्रांसफार्मर में मारी ठोकर स्कॉर्पियो सवार हुआ जख्मी। मधेपुरा जिला अंतर्गत भराई ओपी क्षेत्र के नाडीगो में एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने ट्रांसफार्मर में ठोकर मार दी। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कॉर्पियो सवार जख्मी हो गया और दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ गाड़ी की तस्वीरें भी खींची गई, जिसमें DRDA निदेशक मधेपुरा की गाड़ी बताई जा रही है। लोगों के द्वारा तरह तरह की बातें भी कही जा रही है कि प्रशासनिक गाड़ी से इस तरह की दुर्घटना होगा तो आम लोग क्या करेंगे। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि स्कॉर्पियो चालक शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जिससे यह दुर्घटना हुई। वहीं मौके पर क्षेत्रीय प्रशासन पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। हम लोग यहीं पर थे, देखे कि पश्चिम से गाड़ी पूरा पिकअप में आ रहा था, लगता था कि नशा में था वो, अगर किसी आदमी रहता तो वहाँ उड़ा देता, आकर के बिजली बिलर में टक्कर मारा, ट्रांसफार्मर को तोड़ फोड़ दिया। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। क्या घटना भले? पश्चिम से गाड़ी आ रहा, पश्चिम से गाड़ी आ कर कटले पोल पर कनी दूर चढ़ गए, वो टूट गए, अच्छा से फान ले गाड़ी इन्हें अगर अन्न नहीं चल गए वही से कर। अच्छा, की नाम भले अपन? हमारा रामू। इसको तो अभी हम प्रशासनिक गाड़ी का पहले नहीं कहेंगे कि प्रशासनिक गाड़ी है, क्योंकि यहाँ पर कोई बोर्ड वोट अभी है नहीं इस पर प्रशासन का। यह जांच के दौरान अगर आता है कि हाँ प्रशासन का गाड़ी है, उसके बाद ही कोई आगे आपको बयान दिया जाएगा, जिसे हमें बताया जाएगा कि किस तरह की गाड़ी है, या दो नंबर है या एक नंबर, और कौन लोग थे ये भी नहीं अभी पता है, तो हम आए ही।